संत साहित्य के इस पक्ष पर बोलना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयता किसे कहते हैं और राष्ट्रीयता के लिए क्या आवश्यक तत्व है। राष्ट्रीयता के लिए राष्ट्रीय होने से अधिक महत्वपूर्ण है देसी होना, और देसी होने के लिए साधु जीवन जीना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ कर्तव्य नहीं है, नियम है। नियम यह है कि नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरु देवता, वंदनम सर्वसाधवा, प्रणामम पारम गता, ये हमारे आदर्श हों तो हमारे लिए अपनी राष्ट्रीयता, अपने राष्ट्र जीवन के जो साधु होने के पक्ष हैं वो उभर के आएंगे। साधु होने के पक्ष उभरने के लिए कुछ फार्म नहीं भरना पड़ता, वो अंदर से पैदा होता है, और उस अंदर से पैदा होने के लिए वाणी एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा अमृत है जो जीवन भर, जीवन से प्रारंभ होकर जीवन के अंत तक हमको अपनी गोद में लेकर के राष्ट्रीय बनाता है। और ये राष्ट्रीय होना ही वास्तव में आज के जीवन में देसी होना है, और देसी होने के लिए सुंदरदास ये कहते हैं, है सो सुंदर है सही, नहीं सो सुंदर ना है, जो है वही सत्य है, जो नहीं है वो सत्य नहीं है, और जो छल कपट है वो नहीं है। छल कपट से कभी भी जीवन राष्ट्रीय नहीं हो सकता, कभी भी जीवन जीवन के वो तत्व हमारे लिए कर्तव्य पथ नहीं बना सकते। इसलिए मेरा कहना यह है कि हमें भाषा, साहित्य और संगीत, इनको लेकर के जीवन जीना है। अपने भगवान श्री कृष्ण ने जो जन्म लिया वो वास्तव में इन तीनों का संवेत रूप है, वो साहित्य, संगीत और कला। उनके अंदर साहित्य गीता से बढ़कर क्या हो सकता है, संगीत बांसुरी से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, कला जो रासलीला है, उस रासलीला में जो कला है, जो गति है, जो निरंतरता है, जो वो संसार में आज तक पैदा नहीं हुई कि हर गोपी के बीच में श्री कृष्ण दिखाई देता है, इससे बढ़कर के और क्या राष्ट्रीय होना है। इसलिए जो संविधान का राष्ट्रीय होना है उससे बढ़कर है संतवाणी में जो चिरंजीवीपन है, जो चिरंजीवी बनाता है, जो जीवन को निरंतरता से जोड़ता है, वो कभी मरने नहीं देता, वो कभी निराश नहीं होने देता। इसलिए संतवाणी को आज हमें महत्व देना चाहिए।